तो आज हम बात कर रहे हैं आपके साथ एडवांस एक्सेल की सिलेक्शन मेथड की। तो एडवांस एक्सेल का हमारा पहला क्लास है मनीषा जी के साथ। और मनीषा जी, आप सोच रहे होंगे कि मैं पहले दिन हम लोग सिलेक्शन क्यों कर रहे हैं। जी देखिए, सिलेक्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा, आप जी ऑफिस में जाते हैं, कोई भी काम करना शुरू करते हैं, कोई भी एक्सेल का फीचर अप्लाई करना शुरू करेंगे, तो सबसे पहला जो काम आता है वो आता है सिलेक्शन। अगर आप डेटा को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो जी कुछ भी नहीं है। हाँ जी जब तक आप डेटा सिलेक्ट ना करें, तब तक आपका ना पिवट लगेगी, ना आपका फिल्टर लगेगा, ना कॉपी कर पाएंगे, ना चार्ट लगा पाएंगे। तो सबसे ज्यादा आता है सिलेक्शन। तो छोटे डेटा में तो सिलेक्शन की दिक्कत नहीं होती, लेकिन बड़े डेटा जब होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड जो होते हैं, तो उस समय सिलेक्शन के ट्रिक्स को जानना जरूरी होता है। तो सिलेक्शन, जैसे मान लीजिए मुझे डेटा सिलेक्ट करना, अगर माउस से सिलेक्ट करना है तो जनरली वो क्लिक करके सिलेक्ट कर लेते हैं, या एक काम और कर सकते हैं, आप स्टार्टिंग में क्लिक करें और शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट में क्लिक करें, ये आपका सिलेक्शन होता है। ओके होता क्या है कि आप जो है, आप यहाँ पे क्लिक करके वापस यहाँ क्लिक करेंगे तो कर्सर मूव होगा, लेकिन जैसे सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो सिलेक्ट होगा, मूव नहीं होगा, सिलेक्ट होगा। तो ऐसे अच्छा आप स्टार्टिंग में गए और नीचे जाके शिफ्ट दबा के इसको क्लिक कर लिए, तो माउस से या कीबोर्ड से सिलेक्ट करने से ज्यादा बेनिफिट होता ओके मतलब ऊपर क्लिक किया, फिर नीचे क्लिक किया लास्ट वाले डेटा पे, और फिर शिफ्ट दबा दिया साथ में, है। नहीं, राइट? शिफ्ट दबा के क्लिक करना है स्टार्टिंग में, ठीक है? स्टार्टिंग सिलेक्ट किया, ठीक लास्ट है, एंडिंंग को में शिफ्ट के साथ करना है, ओके ठीक है, शिफ्ट ठीक दब है भाई? क्लिक। हाँ, शिफ्ट के साथ क्लिक करना है। अब क्लिक करके शिफ्ट दबाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? ठीक है अगर आप कीबोर्ड सिलेक्शन करते हैं तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, राइट? हाँ जी तो कंट्रोल ए क्या होता है, एक क्रेडिट रीजन होता है। यहां पे ध्यान रखिए, कंट्रोल ए अगर दो बार सिलेक्ट कर रहे हैं तो पूरी सीट सिलेक्ट हो जाती है। पूरी ओके सीट को आप यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हो ऊपर से। हाँ तो राइट कंट्रोल ए होता है क्रेडिट रीजन, ये आपका होम मेनू बार के अंदर फाइल मेनू सिलेक्ट। इसमें आपके पास जो होता है गो टू स्टेशन, इसके अंदर होता है यहाँ पे करेंट रीजन, ठीक है? ये सिलेक्ट करता है। अब ये तो करता है, इसके साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दो प्रॉब्लम इसमें आती है। पहला, जैसे मैंने यहाँ पे इस तरह का फालतू कंटिन्यूस डेटा ले रखा है, तो करेंट रीजन इसको भी सिलेक्ट कर देगा, ठीक है? एक बार सर दोबारा बताइएगा ये प्रोसेस। जैसे कि आपने यहाँ पे इस तरह से फालतू कुछ सिलेक्ट कर रखा है ना, मैं क्लिक कर रखा है, डेटा है आपका कुछ अनयूजुअल डेटा है, आपका डेटा मेन मान लीजिए इतना ही, हाँ जी लेकिन कंटिन्यूअस हर कॉलम में डेटा दिख रहा है ना, तो हाँ ये उसको भी सिलेक्ट कर लेगा। ओके तो ये कभी कभी हमें प्रॉब्लम देता है ना कि हमें यहाँ नहीं जाना है, हमें इसके आसपास ही रहना है, बिल्कुल ये प्रॉब्लम आती है। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि जैसे मान लीजिए कि कोई रो ब्लैंक है आपका, पूरी की, अब मैं ब्लैंक मतलब पूरी की पूरी ब्लैंक की बात कर रहा हूं। अगर पूरी की पूरी रो ब्लैंक है, अब मैं सिलेक्ट करूंगा, मैंने कंट्रोल ए प्रेस कर दिया, तो ऊपर का डेटा ही सिलेक्ट होगा, नीचे का डेटा सिलेक्ट नहीं होगा, समझ गए? ठीक है ये ऊपर का डेटा ही सिलेक्ट होगा, नीचे के डेटा को सिलेक्ट नहीं करेगा, एक प्रॉब्लम है आ गई आप। हाँ, इसे बीच में कहीं कहीं पे टाइप, जैसे एक पे टाइप हो गया आपका, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लेगा। मैं पूरी की पूरी रो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। और सेम आपका कॉलम में भी होता है कि पूरी का पूरा कॉलम आपका ब्लैंक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो उससे पहले सिलेक्ट हो जाएगा। ओके तो कंट्रोल ए जो है इसके लिए परफॉर्म करता है। अब दूसरा जो इसमें आता है कंट्रोल ए में, यहाँ पे आप देख गए, दूसरा इसमें आता है डेटा सिलेक्ट करने के लिए, मैं यहाँ पे दबाते हैं कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो, ठीक है? कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो। तो ये कंट्रोल शिफ्ट क्या होता है, देखिए कंट्रोल के साथ अगर मान लीजिए कर्सर मूव करना है तो एरो की यूज करते हैं आप। हाँ जी अब इसके साथ अगर आप इसको शिफ्ट के साथ एरो की करेंगे तो सिलेक्ट होता है, कंट्रोल के साथ होता है तो जंप होता है। जंप कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कि यहां से पूरा डेटा है ना, जी तो जंप होकर सबसे लास्ट में चला जाएगा। ओके लेकिन मान लीजिए कि यहाँ
यहां से, यहां मैं से करता हूं, यहां पर करता हूं। तो ये जब होगा सबसे सबसे स्टार्ट में है, अगर बीच में कहीं डेटा है तो ये क्या होगा, जंप होके यहीं पे आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सीरीज को फॉलो करता है, ये ब्लैंक का सीरीज है ना, तो यहां से ब्लैंक का सीरीज जहां खत्म होगी डेटा आपको वहां पर पहुंच जाएगा। अच्छा, तो सेम चीज यहाँ होता है कि यहाँ से हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस किया राइट में, डाउन किया तो डाउन पे, लेफ्ट के लेफ्ट अप किया, सेम कंट्रोल शिफ्ट के साथ करेंगे तो राइट एंड डाउन, राइट एंड डाउन, समझ गए? क्योंकि आप कर्सर से एरो की से आप कर्सर मूव करते हैं और कंट्रोल से क्या होता है, और जंप होता है, और कंट्रोल शिफ्ट से सिलेक्शन होते हुए जंप होगा। ओके, समझ गए? हाँ जी। बट यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए यहाँ आपका नीचे ब्लैंक, बहुत सारा ब्लैंक हुआ। अब मैं यहाँ पे अगर जाऊंगा तो कई बार इस तरह से वन बाय वन जाना पड़ेगा, डेटा लाखों में वाला दिक्कत हो जाएगा ना सर। तो यहाँ हम क्या करते हैं, 865,000 टाइप करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, क्योंकि नीचे चला जाता है। अब कंट्रोल के साथ यहाँ अप यूज करते हैं तो ऊपर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ एक लग दीजिए, अब यहाँ पे 63,000 हम लिख रहे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं वहां, एक बड़ा जहां आपका डेटा नौ, जहां तक आपका डेटा नौ वहां पहुंच जाएंगे। अब यहां से क्या है, ऊपर सर आप ब्लैंक है ना, जब मैं कंट्रोल के साथ पेज अप करूंगा तो ऊपर चला जाऊंगा, तो ऐसे नीचे आ सकते हैं, बट सिलेक्शन लिए आना मुश्किल। तो सिलेक्शन लाने के लिए हमारे पास एक और तरीका है, देखिए यहां से एक हमारे पास एंड और होम का ऑप्शन है। अगर मैं एंड की प्रेस किया तो यहां देखिए नीचे एंड मोड आ रहा है, एंड पे प्रेस करूंगा तो कर्सर इस कॉलम के सबसे लास्ट पे चला जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे लास्ट तो एंड तक है, इन आर क्यों जा रहा है, क्या लास्ट तो एंड तक ही है ना, आर तक पहुंच गया। तो हमने याद हुआ, मैंने जेड जेड लिख के इसको मैंने यूज किया था ना चारों को। तो ये एंड मेथड या होम मेथड क्या करता है, आपका यूज सेल को लेता है। यूज सेल, अगर आपने यहां पे कुछ टाइप किया है तो यूज को ही चूज करेगा, ठीक है? ओके, तो ये यूज सेव को लेता है। अच्छा, अगर ऑलरेडी टाइप करके हमने हटा दिया तब भी करेगा? तब भी ब्लैंक है, फिर भी लेगा, कोई से प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो कंट्रोल के साथ तो इसके लिए इसमें क्या है कि हम, इसलिए मैंने बताया था कि हम सबसे लास्ट में जाएंगे, यहाँ पे हम 65,000 लेते और यहाँ पे ऊपर जाएंगे, सबसे लास्ट में डेटा पे जाएंगे, यहां से हम कंट्रोल के साथ होम प्रेस करेंगे तो स्टार्टिंग में आएंगे। अब होम और एंड का देखिए, अगर आपने एंड प्रेस किया सिंपल कंट्रोल यूज लग गया, एंड प्रेस करके एंटर प्रेस किया सबसे लास्ट में चलेगा, होम प्रेस करेंगे तो उस किसी के ऊपर आ जाए, जैसे मैं यहाँ पे हूं और मैं होम प्रेस करूंगा तो इस रो के पहली पोजीशन पर आऊंगा। होम प्रेस किया तो कहां आया, अपने कीबोर्ड का होम बटन की बात कर रहा हूं, ठीक है? लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ होम प्रेस करूंगा तो सिलेक्ट हो जाएगा, या शिफ्ट के साथ एंड प्रेस करके एंटर मारूंगा तो सिलेक्ट हो जाएगा। एंड के साथ एंटर प्रेस करना होता है, समझे? अगर मैं कंट्रोल के साथ एंड प्रेस करूंगा तो सबसे लास्ट वाले डेटा पे पहुंच, यूज्ड सेल पे पहुंच जाएगा, सबसे लास्ट यूज्ड सेल। ओके, और कंट्रोल शिफ्ट, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस करूंगा तो डेटा सिलेक्ट भी हो जाएगा। तो इसका हम लोग सबसे ज्यादा होता है कि हम यहाँ पे 65,000 हम लिखते हैं, सबसे यहाँ पे चले जाते हैं, कंट्रोल के साथ हम अप एरो यूज करते हैं, लास्ट डेटा पे आते हैं, ठीक है? और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल शिफ्ट होम कर देते हैं। ओके, तो कंट्रोल शिफ्ट होम करेंगे, जहां पे कर्सर होगा वहां से पूरा होम सिलेक्ट हो जाएगा आपका डेटा, ठीक है? डाउट इसमें थोड़ा सा सर प्रैक्टिस की वो है, मतलब हाँ, तो आपने रिकॉर्डिंग कर लिया, रिकॉर्डिंग सुनते हुए प्रैक्टिस, हाँ, वो एक बार
रिविजिट कर लूंगा। अब यहाँ पे बारी आती है मल्टी सेल सिलेक्शन। जैसे मैं यहाँ क्लिक करना, मैं कई मैंने कि मल्टीपल सेल सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल को होल्ड रखते हुए आप अपने मल्टीपल सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हो। जितना मल्टीपल सेल सिलेक्ट करना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है मल्टीपल सेल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बट इसको कॉपी नहीं कर सकते। ओके कॉपी नहीं कर सकते। ओके तो कॉपी करने के लिए क्या करेंगे? पता नहीं। देखिए कॉपी नहीं हो सकता, कॉपी के लिए आपको सिलेक्शन उसी हिसाब से लेना। जैसे कंट्रोल सिलेक्ट करके हमने सेम रो में एक एक सेल सिलेक्ट किया है, अब मैं इसको कॉपी कर सकता हूं। ठीक है, या मान लीजिए कि मैंने दो रो लिया, इसको कॉपी कर सकता हूं। अगर मान लीजिए डी कॉलम में भी मैं दो लूंगा तो कॉपी कर लूंगा। तो सब सेम होना चाहिए, हर रो हर कॉलम सेम होना चाहिए, सेम काउंट होना चाहिए। अगर मान लीजिए एफ में हमने सिलेक्ट कर लिया, अब इसको कॉपी नहीं कर सकता, मुझे एफ में भी दो सिलेक्ट करने चाहिए। अब मैं कॉपी कर सकता हूं, समझे? अच्छा ओके, दो रोज इकट्ठे सिलेक्ट करने हैं। हाँ, मैं जितना रोज, जैसे जैसे जितना आपने पहले में सिलेक्ट किया वही सब में। ओके, अगर मान लीजिए तीन करना है, तीन यहाँ पे तीन किया, तो अब ऐसा नहीं है कि तीन में ऊपर से ले लूंगा, अब एक कॉपी नहीं होगा, सेम रो होना चाहिए। जैसे हमने 3, 4, 5 किया है, तो यहाँ अगले कॉलम में जो जो कॉलम लेना चाहते हैं उसमें भी आपको 3, 4, 5 ही कॉपी करना होगा। ओके ओके ओके, सेम कॉलम सेम रो लेना है ना जी, समझ गया? ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने तीन कॉलम ले लिया है, ए यहाँ पे तीन ले लिया, तो नीचे भी हमें कहीं लेंगे तो हमें तीन चाहिए उसी कॉलम के अंदर। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे तीन ले लू तो कॉपी हो जाएगा, नहीं। अब अलग अलग सिलेक्ट करेंगे, लेकिन जब कॉपी होगा ना, अलग अलग जब सिलेक्ट करेंगे, जब कॉपी पेस्ट करेंगे तो सिक्वेंसली होगा वो, अलग अलग ऐसा नहीं अलग अलग करेगा, वो सिक्वेंसली पेस्ट करेगा। ठीक है, समझ आ गया आपको? हाँ जी सर। अब बात करते हैं मल्टी सीट सिलेक्शन। इसके पास 5 सीट है, अब मुझे पहले सीट पे डेट लिखना है और फिर उसी डेट को हर सीट पे कॉपी पेस्ट करना। मान लीजिए कि A1 पे मुझे डेट लिखना है हर सीट, तो जनरली आप लोग क्या करते हैं, एक पे लिखोगे देन कॉपी पेस्ट। तो यहाँ एक काम कीजिए, शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट वाले शीट को सिलेक्ट कर। हमने शिफ्ट के साथ क्या किया, सबसे लास्ट वाले शीट सिलेक्ट, सारी शीट सिलेक्ट होगी और ऊपर ग्रुप बना हुआ आ गया, सारा शीट हाइलाइटेड है। तो अब मैं यहाँ कुछ भी करूँ, वैसे मैंने यहाँ पे डेट लिख दिया, डेट की वो फॉर्मेटिंग कर दी, इस हर शीट पे हो जाएगा सेम लोकेशन में। ओके, अगर मान लीजिए कि सेम लोग, मुझे हर सीट पे नहीं चाहिए, मुझे कुछ पर्टिकुलर सीट पे ही चाहिए, तो क्या करेंगे? एक ही शीट पे चाहिए तो सर एक ही शीट पे करेंगे, हम उसको लिख के फॉर्मेट करेंगे जैसे मैं दिखाना। हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही है सर। अच्छा, एक ही शीट पे करना तो सर एक ही शीट पे करेंगे हम, शिफ्ट नहीं करेंगे उसे, शिफ्ट करके प्रेस नहीं करेंगे। हमें एक नहीं, कुछ कुछ सीट्स पे इस तरह से करें, कुछ कुछ सीट्स पे। हाँ जी, अब तो हम कंट्रोल करेंगे शिफ्ट के साथ। हाँ, कंट्रोल प्रेस। तो शिफ्ट और कंट्रोल प्रेस करेंगे, सिर्फ कंट्रोल प्रेस करेंगे? नहीं, सिर्फ कंट्रोल, शिफ्ट कंट्रोल। ओके सर, एक सेकंड दे दीजिएगा, एक सेकंड मैं आ रही हूँ।